सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम अलैकुम। और आज फ्राइडे को मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है मुंबई की धरती में, तो ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। आई एम सो एक्साइटेड कि मुंबई की धरती में मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई है। आई एम सो हैप्पी एंड इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है यूपी बिहार में। और आज मुंबई में हॉल के अंदर जाके पता चल जाएगा कि पब्लिक का व्यूज़ कैसा है। सो तो रवि किशन जी के साथ वर्क करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये मूवी जो है एक हॉरर है, हॉरर मूवी है, तो रवि जी का थोड़ा अलग प्ले आप लोग देखेंगे। रवि जी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और उनके साथ काम करते हुए बहुत ही अच्छा लगा, और पहली बार मैंने उनके साथ काम किया इस फिल्म में। तो इस फिल्म को देखने के बाद इसके लॉकआउट किस किस लोकेशन पे शूटिंग की गई थी, और ऐसी कोई लोकेशन की ऐसी खास बात जहाँ पर आपको कुछ डिफिकल्टी भी आई हो या कुछ याद का वो मोमेंट हो गया? एक्चुअली जैसे कि मैंने कहा कि ये हॉरर मूवी है, और ये मूवी बनारस में भी शूट हुई है एंड मुंबई में भी शूट हुई है और काफ़ी सारा लोकेशन में शूट हुई है। तो डरावना चीज़ में डरावना हो गया था, जैसे कि मैं जो वाइट साड़ी में भूतनी बनी थी हम लोग कॉलेज से बाहर जाते हैं और तभी भूत जो है मेरे अंदर भी घुस जाता है, तो मैं जब भूत बनी थी तो मैं खुद को खुद देख के पहले तो डर गई थी। और जब मैं चिल्लाई थी शूट के वक्त, जो डायलॉग था, जब मैं चिल्लाई थी रात के 12 बजे शूट चल रही थी, तो सबको ही डर गए थे। तो ये बहुत अच्छा किस्सा था कि जो मेरा लुक था और मैं कहीं पे भी खड़ी होती थी तो लोग बेहोश ज़रूर होते थे वो देख के। और मुंबई के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, फिल्म रिलीज़ हो गया सिनेमाघर में तो फिल्म पे कितना प्यार देख के? जी ये टोटली एक अलग सब्जेक्ट है, हॉरर है, इसमें रोमांस है, फाइट है, एवरीथिंग है, और बहुत बहुत अच्छी मूवी है, कॉमेडी भी है इसमें, तो सब मिला जुला के एक मूवी बनी है। तो आप लोग ज़रूर देखें, मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें। ये जो है बिहार में हंगामा मचाने वाला था, मुंबई में भी हंगामा मचा रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया कर्मी और जनता जनार्दन को नमस्कार करूँगा, प्रणाम करूँगा, हर हर महादेव कहूँगा। ये बैरी कंगना जो फिल्म है जिसे अशोक अत्री जी ने डायरेक्ट किया है, हमारे विनोद भैया जी ने प्रोड्यूस किया है, रवि किशन जी इसमें हीरो हैं और मैं इसमें मुख्य विलन की भूमिका निभाया हूँ। ये फिल्म बिहार में बहुत धमाल मचाई, उत्तर प्रदेश में भी धमाल मचा रही है और अब बॉम्बे में भी धमाल मचाने के लिए आ गई है। बस आप लोग इसे देखिए और खूब सराहिए, अपना प्यार दीजिए। आपने बहुत से लोगों को डराने की कोशिश की है, खुद डरे हैं? नहीं, इसमें मैं एक बहुत बड़ा तांत्रिक का रोल किया हूं और उसे कहते हैं कलयुग का भगवान दयावान, इसमें मेरा नाम दयावान है। मैं ही अपने लोगों को मारता हूं और फिर मैं ही जिंदा करता हूं। जनता में इस तरीके का जो पब्लिक को जो देखने का दृश्य मिलेगा वो बहुत ही आनंददायक होगा, रोचक होगा। आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम विनोद पांडे है, मैं प्रोड्यूस किया हूं पिक्चर को। हमारे बड़े भैया हैं रमेश मिश्रा जी, बड़े भैया लोलारक भैया जी हैं, लोगों के आशीर्वाद से मैंने बनाया। फर्स्ट लुक आया बैरी कंगना बना था 1992 में, वो बहुत अच्छी चली थी और एक पारिवारिक फिल्म थी, एक दहेज के ऊपर थी। उसी प्रकार से ये फिल्म को भी हमने वो किया हूँ कि इसमें नारी सशक्तिकरण है, योग साधना है और एक अश्लीलता नहीं है, एक अच्छी फिल्म भोजपुरी में जो है भोजपुरी समाज में जाए, इस आधार पर मैंने फिल्म बनाया। और फिल्म बहुत अच्छी चल रही है, बिहार में अच्छी चली, दिल्ली में चली, गुजरात में भी बहुत अच्छी चल रही, यहाँ भी चल रही। आप सभी लोग जो है इस फिल्म को, आप लोगों के माध्यम से मैं जनता जनार्दन से निवेदन करूँगा, इस फिल्म को देखें और परिवार के साथ देखें और अच्छे फिल्मों को अपना प्यार दें ताकि हमारे भोजपुरी समाज से अश्लीलता फिल्म जो है वो ख़त्म हो जाए और ऐसे करेक्टर को, ऐसे डायरेक्टर को, ऐसे अभिनेता को अपने समाज से दूर किया जाए। तो आप जब इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे तो आपको लग रहा था इतना अच्छा रिस्पांस लोगों का मिल पाएगा, जो रिस्पांस देखने को मिला लोगों से इस फिल्म को लेकर? नहीं, उम्मीद तो थी कि फिल्म को मिलेगा अच्छा रिस्पांस और अपने आपके ऊपर भी भरोसा था कि हम अच्छी चीज़ बना रहे हैं। अच्छी चीज़ बनाने में कठिनाई होती, तकलीफ होती है, पर उम्मीद था कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो
हाँ, थ्री की है और अगली फिल्म एक है बदले की चिंगारी, एक काला उदल, और थ्री का भी प्लानिंग है। जरूर पब्लिक का, समाज का सहयोग मिलेगा तो जरूर बनाएंगे। और मुंबई के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे ऐसे निर्माता? मुंबई के दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, आप लोग सब फिल्म देखो, इस फिल्म को प्यार दो, और आप लोगों की वजह से मुझे स्थान मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, और आगे आप लोगों के लिए हम ऐसी अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे। मेरे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, मैं इनका उत्साहवर्धन करने के लिए इस प्रमोशन में आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो इनके दिल में है कि समाज को एक संदेश जाना चाहिए, समाज पे सामाजिक विचार, जो भोजपुरी फिल्में आजकल बन रही हैं अश्लीलता का चरम सीमा पार कर चुकी हैं, हम लोग सामाजिक जीवन जी रहे हैं, इसके लिए इस अश्लीलता को दूर करने के लिए विनोद भाई आगे आए हैं, और इनकी एक कल्पना है कि समाज में जो बुराइयाँ, जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए समाज में फिल्मों द्वारा एक संदेश दें, ये बहुत उचित कार्य और सराहनीय कार्य है विनोद भाई द्वारा। तो विनोद जी क्या कहना है कि इस फिल्म को नहीं? हाँ, वो तो है ही है, और लेकिन मैंने सपना जी को इसलिए लिया कि अपना वही दर्शक, वही चीज़ें हैं और वही चीज़ देख देख के इसलिए हम कुछ नया करना चाह रहे हैं। हर फिल्म में हम सोचेंगे कुछ न कुछ नया करें और नई चीज़ लाएँ, और अपने समाज को, जो हमारे समाज का एक परंपरा है, जो एक कल्चर है, उसको आगे मेंटेन किया जाए, उस हिसाब से हम नया नया कुछ करते रहे। सर, जैसे नहीं, अश्लीलता बंद होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, जो युवा जनरेशन है, वो भोजपुरी फिल्में पसंद नहीं कर रही हैं, इसलिए पसंद नहीं करें कि उनका भी जीवन है, उनके भी भाई बंधु, उनके भी बहनें हैं, उनके भी माताएं हैं, वो साथ में अपने परिवार के साथ वो फिल्म नहीं देखते, ये हमारे लिए बहुत दुखद विषय होगा। इसको जल्द से जल्द मैं सारी भोजपुरी के सारे लोगों को, जो फिल्म निर्माता हैं, फिल्म एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, इनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आंदोलन के रूप में इसे लें और अश्लीलता भोजपुरी फिल्मों से दूर करें, ये मेरी शुभकामना इन लोगों के लिए होगी जरूर। तो इस आंदोलन में भोजपुरी के कौन कौन से नाम होंगे जो आपके? नहीं, आंदोलन का मतलब ये नहीं कि आंदोलन कहीं मोर्चा रोड पे निकालें, ये लोग अपने हृदय में आंदोलन करें, हृदय में संघर्ष करें और अच्छी फिल्में बनाएं और समाज को ताकीब मिले। आंदोलन ये रोड पर नहीं होता, आंदोलन अपने अंदर संघर्ष करना चाहिए, घर में अपने विचार बदलने चाहिए, विचार बदलेंगे तभी समाज को कोई संदेश जाता है। पहले फिल्म के प्रोड्यूसर विनोद पांडे जी को बधाई देता हूँ, और मुझे लगता है बैरी कंगना जैसी फिल्म परिवार के साथ देखना चाहिए, जिसमें अश्लीलता वगैरह नहीं है, तो मैं इनकी पूरी टीम को, विनोद पांडे जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। जा रहा हूँ, तो फिल्म आप देखने जा रहे हैं, फिल्म का ट्रेलर देखा होगा आपने, और जिस तरह से बिहार में एक अच्छा रिस्पांस देखे, तो आप कितने एक्साइटेड इस फिल्म को देखने के लिए? एक्साइटेड तो हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे तब से हैं, और अब तो और ज़्यादा एक्साइटेशन है, क्योंकि हम लोग देखने आए हैं। मैं इस फिल्म में खुद एक पात्र का जो है निर्वाह किया हूँ, एज ए नागराज खलनायक, और इसमें विनोद भैया ने हमारे बहुत शिद्दत के साथ, बड़ी मतलब लगन के साथ इन्होंने फिल्म बनाई है, और बहुत दिनों बाद भोजपुरी, मुझे लगता है कि काफ़ी अरसे बाद ये ऐसी फिल्म आई है जिसको पूरे परिवार के साथ लोग देख भी रहे हैं, और चारों तरफ से, चाहे वो बिहार झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो, या अभी उत्तर प्रदेश में चल रही है गोरखपुर और बनारस में, हर जगह से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ मुंबई में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, फैमिली आ रही है, परिवार आ रहा है, औरतें आ रही हैं, जो कि जितनी भी मुझे लगता है सफल फिल्में भोजपुरी की रही हैं, चाहे वो नदी अखबार हो, चाहे गंगा किनारे मोरा गांव, जो भी फिल्में हिट हुई हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो महिलाओं का रहा है, परिवार का रहा है, तो ये फिल्म बहुत दिन के बाद फिर से महिलाओं को थिएटर में लाने में सफल रही है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ विनोद जी को और अशोक त्रिपाठी अत्री को। बड़ी अच्छी फिल्म है और मुझे लगता है इसको जनता को देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। आपको ये फिल्म देखने में इतनी देरी हुई? मैं देखने में देरी नहीं, अभी तो मतलब मुंबई में परसों ही लगी है, तो आज का प्लान था, सब विनोद भैया का ये था कि आज हम लोग सब आएंगे एक साथ, सारे कलाकार लोग, तो हम लोगों का प्लान था आज देखने के लिए, तो दो ही दिन देर हुआ, ज़्यादा देर नहीं हुआ। मेरा और अशोक सर ने इसमें एक दो कैरेक्टर को पहले बुलाए थे, फिर वो लोग शायद नहीं कर पाए, तो मुझे बुलाया गया, तो मैं गया। मेरा इसमें किरदार है बॉबी डार्लिंग का, भोजपुरी में पहली बार बॉबी डार्लिंग का किरदार मैंने स्क्रीन पे किया बैरी कंगना 2 के माध्यम से, और जैसा कि कोशिश किया है, दर्शकों से पता चलेगा और हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स भी पता चलेगा कि मतलब मेरा किरदार कैसा रहा,
मैंने तो अपनी कोशिश की। तो अभी दर्शक बिहार में पसंद कर रहे हैं, मुंबई में फिल्म पसंद की जा रही है, तो दर्शकों को किस तरह से धन्यवाद देना चाहिए? दर्शकों से मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, मेरी सारी फिल्मों को वो लोग प्यार देते हैं, अपना दुलार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और मैं चाहूँगा कि इसी तरह बैरी कंगना टू को भी अपना प्यार आशीर्वाद दें और मेरे ऊपर भी दें। जय। ये लल्लन भाई हमारे अभी 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 मत बोलो, अब मुझे मैं बोलूंगा, अभी मेरा चालू हो रहा है इसलिए आप अच्छा, मैं बोलूंगा। अच्छा अच्छा आप बोल लो। आप कंगना 2 फिल्म रिलीज हो गई है और काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिसके बाद मुंबई में भी आज रिलीज हो चुकी है, आप लोग आज पुणे पे ही आए हैं, तो फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड और आपके किरदार को लेकर आप कितना ज्यादा अपनी बात बताना चाहेंगे, कितने कैरेक्टर को लेकर क्या शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहले सारे भोजपुरी दर्शक और हमारे प्यारे भाई लोग को नमस्कार दिल से करता हूं, और हमारे प्रोड्यूसर विनोद पांडे जी को मैं थैंक्स और नमस्कार करना चाहूंगा कि हमारे भैया हमारे ऊपर विश्वास किए और एक बहुत ही खूबसूरत एक फैमिली फिल्म बनाई है, और वो फिल्म आज जो है पूरे इंडिया में लगी हुई है, बिहार में और दिल्ली में, यूपी में, आज महाराष्ट्र में तहलका मची हुई है, और सुपर हिट हो गई है फिल्में, और गुजरात में लगी है। तो मैं मेरा किरदार बताना चाहूँगा कि एक नागराज हमारे हैं जो हमारे भाई हैं, कि बहुत अच्छा और बहुत उम्दा एक्टर हैं हमारे भैया रमेश द्विवेदी जी, इनके साथ हूँ मैं, एक लल्लन जो हमारा कैरेक्टर है लल्लन, तो वही कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, और पब्लिक जो देख के पब्लिक को अच्छा लग रहा है, और हमारे प्रोड्यूसर को भी अच्छा लग रहा है कि भाई लल्लन बहुत अच्छा किया है, और सारे लोग अच्छा किए हैं, और हमारे उमेश भाई टाइगर जो कि आज भोजपुरी का टाइगर उमेश सिंह, बहुत गजब का उनका करेक्टर है, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे लोगों से साथ में काम करने में, और भोजपुरी एक फैमिली अगर बहन बेटी माँ सारे लोग एक साथ फिल्म देखे तो अच्छा लगता है। आज वही बैरी कंगना 26 साल पहले जो रिलीज हुई थी, आज वही फिर से दर्शक वापस इतिहास दोहरा रही है, और लोग अच्छे तरह से आ रहे हैं बनारस में, जो कि बहुत ही धमाका हुआ है, अच्छे लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई है, और मैं यही चाहूँगा कि सारे दर्शकों की ऐसे ही फिल्म देखें, साफ सुथरी देखें, और सारे हमारे प्रोड्यूसर लोग को भी बोलूँगा कि अच्छी और साफ सुथरी फिल्में बनाएँ, ताकि हमारी माँ बहन बेटी और सब देख सके। तो शूटिंग के दौरान काजल राघवानी जी के साथ भी आपको कोई सीन रहा, उनसे जुड़ी कोई बातें जी? काजल राघवानी के साथ था मेरा सीन, हम लोग का था, लेकिन वो इमोशनल सीन था कुछ ऐसा कि वहाँ पे मैं तांडव मचाता हूँ, बस ज़्यादा मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे वजह से सब प्रॉब्लम बहुत सारा हुआ है, वहाँ इशू हुआ है, तो उसमें मैं क्या बता सकता हूँ फिल्म के अंदर और नहीं, फिल्म के अंदर जो है अंदर बाहर नहीं, बाहर तो बहुत अच्छे, बाहर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, काजल अगानी जी बहुत अच्छी हैं, सारे एक्टर बहुत अच्छे हैं, और लोटा जी, लोटा तिवारी जो इंडस्ट्री के बहुत टॉप कॉमेडियन इस टाइम पर निकले हुए हैं, भाभी जी घर में हैं, जीजा जी अंदर हैं, छत पे हैं, बहुत सारे सीरियल, बहुत सारे फिल्में कर रहे हैं, और हमारे उमेश टाइगर, उमेश भैया का तो कोई बात ही नहीं है, और लोटा का किरदार ऐसा है कि बिहार में इनको बैन किया गया, वहाँ नहीं जा सकते, बिहार में बोल है बॉबी डार्लिंग, बॉबी डार्लिंग अगर थिएटर में पहुंच जाए तो इनका जो किरदार इसके बाद इनके लिए सिक्योरिटी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो बहुत अच्छा लगा। तो और हमारे भैया जो है विनोद पांडे जी भी बहुत अच्छी एक्टिंग किए हैं, बस चाहूंगा माता रानी से मैं एक बार आप लोग मीडिया वालों को, खासकर संजय भूषण पटियाला और रामचंद्र जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोग जिस तरह से मतलब इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे करते रहिए, आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।